सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग व्हाट्सएप में खुद का इमोजी सेट कर सकते हो, खुद का जो है स्टिकर आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर से सेंड करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये मेरा इमोजी बना है। ठीक है, मैं यहाँ पर से इमोजी में जाता हूँ और इमोजी देख लूँ मेरा इमोजी कैसा बड़ा है, और यहाँ पर से देख लो मेरा खुद का जो है स्टिकर यहाँ पर से है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो एंड तक देखते रहना, मैं आशा करूँगा यहाँ पर से आपको इस वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर से जाना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर से सर्च करना पड़ेगा स्टिकर लाइफ और व्हाट्सएप। स्टिकर लाइफ और व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर से करना है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा। उसके बाद करना है ये ब्लू वाला हिस्सा में नीचे प्लस वाला आइकॉन में क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से एक फोटो आपको क्लिक करना है, और उसके बाद ऑटो में क्लिक करना है। ऑटो में क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोग टेक्स्ट भी यहाँ पर से जोड़ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर से टेक्स्ट ऐड करके कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर से स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, और उसके बाद करना है आप लोगों को डन। डन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर से इमोजी भी आप दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर से ये वाला इमोजी दे दिया हूँ। उसके बाद करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर से कोई आप टैग, यहाँ पर से टैग है, टैग दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। मैं यहाँ पर से दे देता हूँ फनी। उसके बाद करता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर से एक क्रिएट आपको पैक क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू पैक। न्यू पैक में क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर से कुछ नेम यहाँ पर से कुछ लिख देना है, और क्रिएटर में कुछ लिख देना है। ठीक है, ये वाला में कुछ लिख देना है और ऊपर भी कुछ लिख देना है, और उसके बाद करना है क्रिएट। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर से जो है आपको क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे करके तो यहाँ पर से एक मेरा स्टिकर क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे करके आप लोगों को थ्री स्टिकर आपको क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर से थ्री स्टिकर क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन चलाया है ऐड टू व्हाट्सएप। यहाँ पर से थ्री आपको बहुत ही यहाँ पर से कम यहाँ पर से थ्री आपको करना है क्रिएट। और उसके बाद यहाँ पर से ऐड टू व्हाट्सएप करने के बाद यहाँ पर से करना है ऐड। ऐड करने के बाद ये व्हाट्सएप में ऐड हो गया है। और मैं यहाँ पर से दिखा देता हूँ और एक चीज़ यहाँ पर से कैसे वो अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर से दिखा देता हूँ, ये मोदी जी का बहुत ही सारे यहाँ पर से स्टिकर है, और यहाँ पर से बहुत ही अच्छा ये कैरी मिनाटी का स्टिकर है। ठीक है, कैरी मिनाटी का यहाँ पर से स्टिकर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर से बहुत ही अच्छा यहाँ पर बहुत ही फनी स्टिकर मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर से बहुत ही फनी स्टिकर यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये ऐड टू व्हाट्सएप करने के बाद ये व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा, व्हाट्सएप का कीबोर्ड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से ऐड टू व्हाट्सएप कर लिया हूँ। उसके बाद करना है ऐड। ऐड में क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं यहाँ पर से व्हाट्सएप खोल के दिखा देता हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर से खुलता हूँ ये वाला ऑप्शन में, और इमोजी में जाता हूँ, और यहाँ पर से देख लो कैसे ये क्रिएट हो चुका है। मैं अभी ये क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अरे देख लो कैसे अट्रैक्टिव है। और ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये वाला मैं दिखा देता हूँ। ये है मेरा खुद का इमोजी, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे ही करके आप लोग खुद का भी इमोजी क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दिखा दिया हूँ कि कैसे आप लोग इमोजी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, और एक कमेंट कीजिएगा कि कैसे लगा आपको ये वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।